दो दुखियों को सांत्वना, रोगियों को सौख्य दो, अंधकार में ज्योति बनकर राधिका तर हो। आत्मा मेरी गाँव की खिल उठी है प्यार से, पाकर तुझको हम पवित्र आत्मा की कृपा से एकत्र होकर इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों में भाग लेने योग्य बनाए गए हैं। हम सब एक साथ ईश्वर को धन्यवाद दें तथा उसकी महिमा गाएं। ईश्वर के और नियदेन के प्रति उसकी निरंतर स्तुति होती रहे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, तू अपनी कृपा तथा अनुग्रह से हमारे तृण मोचन के लिए हे महिमामय पवित्र जीवन दाय और दिव्य रहस्य में प्रधान किए हैं। इस दानों के लिए तेरे परम धनित्रित्व को स्तुति आराधना और निरंतर धन्यवाद अर्पित करना हमारा कर्तव्य है। हे सबके प्रभु, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। हे प्रभु हमें आशीर्वाद दे। हे मसीह, मानवों की आशा के जीराधार, तूने अपने इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के द्वारा हमारे पापों तथा अपराधों को क्षमा किया है और हमारी भूलों को दूर किया है। परम धाम के दयन सदा ही धन्य है। आमीन। जीवनदायी अर पावन महान दिव्य रहस्यों में यीशु मसीह की उपासना स्तुति वंदना हमने की। प्रभुवर हमको योग्यता ते तेरे सम्मुख आने दे, स्वर्ग यरूशलेम पाने दे, दूतों के संग गाने दे। हम पर सारे विश्व कलीसिया की संदान पर प्रभुवर अपनी आशीष दे, अब सदैव सर्वसदा। की वेदी प्रणाम। हमारे प्रभु की कब्र प्रणाम। मैंने तुझसे जो पर प्रसाद ग्रहण किया है उससे मुझे अपराधों और पापों के क्षमा मिल जाए। मैं ये नहीं जानता कि मैं फिर आकर तुझ पर दोबारा बलिदान चढ़ा सकूंगा कि नहीं। पुरोहितों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु यीशु सनातन पुरोहित, तो अपने पुरोहितों को सारे विपत्तियों से छुड़ाकर उन्हें अपने पवित्र हृदय में आसरा दे। वे तेरे पवित्र शरीर रक्त को रोज अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें पवित्र कर,
उनके हाथों में कोई भी कलंक न लगने दे, उनके जीव को निष्कलंक रखने दे, उनके हृदय को धन संपत्ति से बचा दे। तेरा प्रेम उन्हें जगत के मोहपाशों से मुक्त करे, उनके परिश्रम के फल सबको प्राप्त हो, जीवन के समाप्ति पर उन्हें अनंत जीवन व स्वर्गीय आनंद प्रदान कर। आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, तो पुरोहितों को यीशु के हृदय के योग्य बना दे।